खुशी मिली तो ये आलम था बदहवासी का कि जैसे मसाला हो आब की नकासी का। ये जलसा गाह हमें जो रक्स देखने को मिला, ये ट्रीटमेंट तो नहीं परमानेंट उदासी का। भाई सिचुएशन है बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भला क्यों खामोश हैं? क्यों? बिजली महंगी होने की वजह तो बच्चा स्कूलों उठा लिया। इन्हां नूं इन्ना बिल आ गया ते मेन सोच चुक के मीटर नूं कहण दे तरसेंगा हुण एक यूनिट भी नहीं मिलना तेरे। घर में एसी लगवाया। अच्छा। बिल आ गया ज्यादा। अच्छा। एसी बेच के फिर दिया। 3 लाख रुपया बिल आया ते वापड़ा दे दफ्तर अफसर नूं जाके कह रहे ने भाई ना जिहड़ी परसों समानी बिजली पई सी ओह वी साडे खाते पाती। इन्ना बिल आ गया गुस्से नाल ना जी छत वाले पखे ते 2 पर लाते कि बिल घट आएगा। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब मलिक वासिफ मजहर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अक्सा इश्फाक। वेलकम टू द शो जी। प्यारे भैया बहुत शुक्रिया आपके आने का। और शेर भी मैं ऐसे ही लाया हूं सर। मलिक वासिफ भी हैं, मजहर भी हैं और MPA हैं PTI के। और इनके पहलू में है जलवागर अक्सा। ये अक्सा एक मॉडल हैं, बदलते मौसमों के हर नए फैशन की मॉडल हैं। अरे बाबा सड़दा सूरज सिर ते चा के वेख्या है। सड़दा सूरज सिर ते चा के वेख्या है, मैं होनी दे नेड़े जा के वेख्या है। सज्जन अख बचा के कोलो नंघ जांदे। सज्जन अख बचा के कोलो नंघ जांदे, कई वारी मैं अख बचा के वेख्या है। उनको नहीं पता वो मेरे दिल में समाए हैं। अरे वाह। मेरी रग रग में बादलों की तरह छाए हैं। आज आप सबको मुबारक हो कैसर, PTI के अंग्रेज भी आए हैं। वैसे वासिफ साहब ये PTI के अंग्रेज सिर्फ हमने ही नोट किया है और लोगों ने भी? पता नहीं है, आप लोग ज्यादा नोट करते हैं ये अंग्रेज को। और कोई भी नहीं कर रहा मुल्तान में? नहीं, मैं पाकिस्तान सर। तुसी अंग्रेजा नु 5 मिनट पीछे छड़ गए जे। अच्छा। मगर क्या हालचाल है आपके? जबरदस्त जी, अल्लाह के करम है। आप खुश हैं फिर? वापस आ गई हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की और खास तौर पर पंजाब की आवाम ने, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के बयानियों के सपोर्ट की है। और यकीनन जो मुसरत है वो हमें नजर आ रही है। बिल्कुल, ये रिफ्लेक्शन उसी मुसरत का है। तूफान आया पे खूबसूरती दा, मतलब लाग ही नहीं रहे कि पाकिस्तान च रहंदे ने। बर्गर वाली दुकान ते जाके कहंदे एक साग वाला बर्गर दे दियो, फिर लोगों को पता लगे कि पाकिस्तानी। मगर ये हो सकता है सिर्फ आपको गलतफहमी। अक्सा आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि मैं ठीक कह रहा हूं? जी आप ठीक कह रहे हैं। देख ले मैं ठीक कह रहा हूं। तुसी आए तो मुझे लगा कि इंज लगा जो बाइडन का कजन आ गया। लगते हैं वैसे अंग्रेज टाइप? लगते हैं, है ना? लगते हैं ना, हम अकेले ही नहीं है। आप स्किन टोन फेयर है ना। बाल भी? बाल भी। मॉडलिंग की दुनिया में क्या हो रहा है? काम हो रहा है। वहाँ पे ऐसी हलचल तो नहीं है जो इनकी दुनिया में है? नहीं नहीं, वहाँ सुकून है। वहाँ सुकून है। यहाँ पे इनके मतलब पॉलिटिक्स में तो टेंशन होती है एनी टाइम कि अभी क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पे एक सीक्वेंस है, चलता जा रहा है, काम करते हैं और आप हैप्पी हो? आप हैप्पी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर, कोई तो हैप्पी मिला हमें। चलें अच्छी बात है जी, है ना। एक आप हैं और एक चौधरी परवेज लाई साहब, ये दो हैप्पी हमने ढूंढे हैं जी। हम लोग भी हैप्पी हैं पाकिस्तान तरीके से। आप लोग भी सारे हैप्पी हैं? नहीं, बाकी हमारे तो लग पा गया हमारे साथ हुई क्या, हम तो हैप्पी नहीं है भाई। क्यों? 250 रुपए पे डॉलर पहुंचा दिया, पेट्रोल पे 250 पे टच करवा दिया। फेडरल गवर्नमेंट का है, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, वो तो वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग हैप्पी हैं, हम नहीं। पब्लिक ने इसी बात को जो इन्होंने कहा था कि हम तजर्बाकार हैं हम आएंगे, तो ये PTI वाले ना तजर्बाकार हैं, हम इनको रिप्लेस करेंगे तो पाकिस्तान अच्छा हो जाएगा।
और जो इन्होंने ग्लॉसी फेस दिखाया था इनका नकाब उतर गया है और सारे पाकिस्तान को पता चल गया है कि ये तजर्बाकारी इनकी किस काम में है। और देखें आज डॉलर कहाँ पे है और महंगाई कहाँ पे, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज कर गया है, इनकी तजर्बाकारी पूरे पाकिस्तान को पता चल गया। मगर मैं अवाम की बात करूँ, हम तो हैप्पी नहीं है ना, मैं बात करूँ जनरल अवाम की, वो जो एक जनरल नाखुशी है ना वो बड़ी ज्यादा हो गई है। देखिये वैसे भाई उसी बात के उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। देखें जनरली हम बात करते हैं जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है तो उसी से सारी चीजें मुतासिर होती हैं। एग्जैक्टली। मगर आप देखें कि आज से जो 3-4 माह पहले रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जो एक मुंतखब हुकूमत को हटाया गया, उससे पहले तो सारी स्टेबिलिटी थी। आप देखें 2 साल जो कोरोना का गुजरा है और खान साहब ने किस तरह उसको मैनेज किया है, उस वक्त यही जो आप गवर्नमेंट है यही अपोजिशन थी, ये उस वक्त बात करते थे कि कर्फ्यू लगा दें, खान साहब ने नहीं लगाया कि गरीब जो लोग हैं वो डायरेक्ट उससे मुतासर होंगे कर्फ्यू से, उनका रोजगार रुक जाएगा, स्पेशली जो दिहाड़ीदार तबका है ज़ाहिर दिहाड़ी उनकी बंद हो जाएगी तो वो इफेक्ट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोप किया, जो हमारा टेन्योर 2 साल का चला इसमें कोविड का वो बहुत अच्छा, और अप्रिशिएट किया इंटरनेशनली इमरान खान की उसको कि किस तरह उन्होंने कोविड का मुकाबला किया है, और जो एहसास प्रोग्राम लेके आया डायरेक्ट हमने, और मैं एज अ मेंबर ऑफ पीटीआई एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि मुझे खान साहब ने या हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे रहनुमा ने ये नहीं कहा कि ये आपको फॉर्म दिए जाते हैं और आप बांट दें। उन्होंने खुद इसका सर्वे किया, खुद टीम्स आई, उन्होंने देखा कि जो भी इसका एलिजिबल है जो गरीब आदमी है उसी को 21-21 हज़ार उनके घर पे पहुंचाया। बल्कि बनी गल च जिन्हें मुलाजम सन खान साहब उन्होंने वैक्सीन आप लाते सन, इन्होंने ज्यादा वैक्सीन लग गई, इन्होंने बाल भी चढ़ गए नाल। ये उन्होंने शेर सुनाया ना, चढ़दा सूरज सर पे रखा है तो जल गए। अक्षय जी आपको कोई है वैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट? नहीं मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी नून लीग को हर बार ही ज़्यादा मतलब उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। अब ये टाइम आया था पीटीआई का कि उनका एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले ही उनको वहाँ पे रोक दिया गया और बीच में जो भी हर्डल्स आती रही, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे इस चीज़ पर है कि एटलीस्ट जो उनको टाइम पीरियड मिला था वो एक सर्कल तो कंप्लीट होने देते, उसके बाद हम अजम करते कि क्या चीज ठीक है क्या चीज ठीक नहीं है। इन्हीं तो डिसीजन नहीं जिन्हें तुसी वजनी गल्लां कर रहे हैं। सही बात की उन्होंने। देखिए यही चेंज है जो इमरान खान लेके आना चाहता था। जो भी आप कॉमन पीपल से पूछ लें सबको पता है कि ये पाकिस्तान में कौन सा ऑपरेशन किया गया और किस तरह रिजीम चेंज की गई। तुसी जो कहो मैं तुम्हारी गल माननी वाली है। मेहरबानी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗ ਬੰਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ। ਦੁਬਈ ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਸਾਥ ਹੀ ਉਸਨੇ ਗਿਰਾ ਹੀ ਦਿਆ ਪਕੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਦਾ ਫੇਸ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਹਮ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯੂਰਪ ਕੇ ਜਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏ ਨਾ ਆਪ ਕਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਯੂਰਪ ਲੈ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਇਹ ਖਾਸ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਰੌਣਕ ਦਾ। ਅਭੀ ਹਮਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਕਾ ਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇ ਕੌਨ ਸਾ ਆਪਕੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਥੇ। तो कोई खास राज है कोई एक कुछ करते हैं कोई ब्यूटी रिजीम है कोई? नहीं ऐसा आज तक तो कुछ नहीं किया जी। ये नेचुरल जीन्स पे ही चल रहे हैं? नेचुरल है यार। ये तो बड़ी कमाल बात है वैसे। अक्सर वैसे कुछ जलसी हो रही है आपको? थोड़ा सा हो रहा है ना। इनको क्यों जलसी होगी? हो रही है मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन अक्सर प्यारी है लेकिन उन्होंने खूबसूरती अगे तुसी भी साडे वर्गे लग रहे जी। ऐसा क्या आपको भी ऐसे ही महसूस हो रहा है? नहीं ये गलत कहा आप। मजाक कर रहे थे दिल में ला लेना। ये आपके साथ नहीं मिल रही है देखने। फ्रेशनेस का क्या राज है? आप कोई डाइट एक्सरसाइज वगैरह? एक्सरसाइज तो करता हूँ मैं। क्या करते हैं एक्सरसाइज? नॉर्मल ब्रिस्क वॉक। अच्छा करते हैं जी जी। वॉक सिर्फ वॉक पे आपने ये काम दिखाया हुआ है? एक दिन मल्ले जी पिस्तौल लेके गए ने ते मल्ले वाले ने खप आती फरंगियां ने हमला करता। वैसे कभी आपको एक्टिंग वगैरह का शौक रहा है वैसे भी? नहीं जी कभी। एक बार मेरे के हमने स्टूडेंट लाइफ में यहाँ लाहौर पढ़ते थे जो पोस्ट ग्रेजुएशन एक बार कोई किया था फैशन शो में एक। अच्छा फैशन शो में? ओए होए होए ये तो अक्सर बरादरी निकल आई। तो किसका फैशन शो था सर को याद है? नहीं यार नहीं है वो काफी पुरानी बात। रैंप वॉक की थी? ओए होए होए तो कोई उसकी कोई फुटेज या कोई चीजें अवेलेबल है या? नहीं अभी सब जलवा दी आपने? नहीं जलवानी क्यों थी बहुत पुरानी बात होता है ना बंदा पुरानी बातें ऐसी जलवा देता है। ऐसी चीज नहीं थी जलवाने वाली। निकी जी गल तो फैशन शो छोड़ देता। क्यों? साड़ी नहीं थी पूरी आई। जरा तुम
से शनासाई हुई, जाया फिर उम्र की कमाई हुई। जो भी महंगाई मिटाने आया, उसके ही दौर में महंगाई हुई। कम ना हो पाया मुआशी बोहरा, और ना पूरी ही तवानाई हुई। हाय हाय आ। वेलकम बैक जी रुखमा। अच्छा आपने बोला कि मॉडलिंग में थोड़ा सा सुकून होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर फील्ड में कोई ना कोई पॉलिटिक्स होती है। क्या मॉडलिंग में कोई पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ती है? ऐसा होता ज़रूर है, लेकिन अगर आप लिमिटेड रहो अपने सर्कल में और आप इंटरफेरेंस ना करो तो आप इन चीज़ों से भी बच जाते हो। पॉलिटिक्स मीन यही है ना कि आप आपस में किसी के बारे में बात करो या कुछ इस तरह की गेम्स खेलो, कुछ भी नेगेटिव बात करो या इस तरह कुछ भी। लेकिन अगर आप रिजर्व रहोगे और आप अपने सर्कल में अपने काम से काम रखोगे तो आप इन चीज़ों से बच जाओगे। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, मैं ज़्यादा लिंक नहीं करती, मतलब अपने सर्कल में रहती हूँ, लिमिटेड रहती हूँ और सेटिस्फाई रहती हूँ। अच्छा, जब मॉडलिंग करती हैं वॉक करते कभी स्लिप हुई हैं, गिरी हैं कभी? नहीं, प्राइस दे हमें ये तो ना कहते हैं क्योंकि वो मॉडल नहीं है जो स्लिप नहीं हुई। वैसे भाई मॉडल भी नहीं, फिर भी तीन चार बार इतने डेक देख बखा दे वो आपको खुश करते? हाँ जी, मैं उन्होंने बांधर हाँ, मैंने खुश करते। वैसे आपको एक्टिंग वगैरह का भी शौक है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, अच्छा, तो आपने की है एक्टिंग? नहीं, अभी मैंने की नहीं है, मतलब पहले मुझे ये था ग्रैम्प वर्क शूट्स वगैरह, लेकिन अब जो मेरा माइंड है वो कन्वर्ट हो गया एक्टिंग की तरफ। अगर आप एक्टिंग करना चाहती हैं तो वैसे अगर ट्राई दें कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती, अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं कस्टर्ड में जहर डाल के खा जाऊंगी, मुझे नहीं पता तरह को डायलॉग बोले, अब पता चलेगा कितनी आप सच्ची और अच्छी एक्टर हैं। बताओ अपने दिल की बात, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों में कोई मोहब्बत है। आपके लिए मोहब्बत, कसमें, कसम से। मैं फिर मोबाइल से बैलेंस नहीं करवाना। अगर आपको क्या फिल्मों का शौक है, ड्रामों का शौक है, किस थिएटर का शौक है? ड्रामास का। ड्रामास का। और कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हों जिनके साथ आप काम करना चाहती हों? जी, उनके नाम क्या रखे उनके? जब आप सामने हो तो मैं किसी और का नाम क्यों लूँ? यार बड़ा कुड़ियों को पता नहीं की हो गया है, जेड़ी भी कुड़ी इनकी वासे भी आप वो प्यार या समझ नहीं आ रही। वो आपने देखी इनकी वो फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा? जी, मैं बस याद के क्या थे, ये भाई का रोल किया था क्या? नहीं, फूफा का। नहीं, मगर उसके अलावा वैसे कोई और एक्टर्स हों जिनके साथ आप काम करना चाहती हूँ? जब काम करना है स्टार्ट में तो आप तो किसी भी एक्टर के साथ काम करें फर्स्ट, तो हमें ये है ना, मतलब कुछ भी कोई भी अच्छा एक्टर हो आप उसके साथ काम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ही आपको। नहीं, कोई आपकी अपनी फेवरेट? मेरा हाँ, फेवरेट्स की लिस्ट तो होगी, ये कोई नहीं निकला 22 करोड़ में से, कोई भी नहीं 22 करोड़ में से एक भी बंदा नहीं निकला। आपका नाम लिया तो बात उनकी फॉलो नहीं की, उन्होंने कहा किसी से भी काम किया जा सकता है और आपसे कोई भी वजीर आला बन सकता है और आप भी, ये वो वाली बात है। ऐसे ही है। तो 22 करोड़ में से कोई भी नहीं है ऐसा? नहीं, सभी हैं, सभी के साथ। नहीं, सभी नहीं, आप अपनी फेवरेट बताएं। देखिए तो आप बताएं, अगर मैं वासे कैसे पूछूं कि जी कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस उनके हैं तो वो कोई नाम देंगे हमें। ऑब्वियसली फीमेल एक्टर में से मुझे मिनाल खान बहुत अच्छी लगती है। मिनाल खान। एंड मेल एक्टर में से मुझे मुनीब भट्ट बहुत अच्छी लगती है। मुनीब भट्ट, मिनाल और मुनीब भट्ट, उन्हीं की फैमिली में बात खत्म होगी। नहीं, काम मैं सबके साथ करूंगी, आपने पूछा फेवरेट कौन है, फेवरेट उनमें से है। ठीक है जी, बस तुम उन्होंने मल्ले जे मकान ले देने, ऊपर चढ़ के पानी ले छापर मारया करने। मोहब्बत है, आई लव यू। गल सुन वे छजड़न दिया कंगना। मैं क्या कोई काम जी गल कर, मैनू कहने भूख काट लेते हो तो जॉब क्यों नहीं करते, काम क्यों नहीं करते, बिजनेस क्यों नहीं करते। मैं क्या व्हाट शुड आई डू। मैनू कहने मेरा दिमाग कहने भाई शादियों का सीजन है, लोग नोटों वाले हार लेते हैं, 1000 रुपए का हार 1200-1300 का बिकता है तो 300-400 रुपए कमा सकते हो। दूसरा, उसी शादी में तुम जाके फंक्शन करो, वहां से ही पैसे तुम्हारे ऊपर लोग लुटाएंगे, वही इकट्ठे करो और वापस आके हार दोबारा से बनाओ। कैसा मेरा दिमाग ने काम किया है। तो आई वेंट टू द हार वाली दुकान ते, उतो सुके हार लेने ने, नवे नोट उन्होंने प्रयोग जो घंटे तैयार हो जाता है। 10,000 हार हो ना, 500 का नोट लाना है, 1000 का लाना है, 100 का लाना है, 50 का तो हम लभते ही नहीं। सो जो बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है। सो कुड यू गिव मी 10,000? आई डोंट हैव इट। नहीं, तुसी मेरे पार्टनर होवोंगे, अदे हार तुहाडे मेरे पास नहीं है, तुम गेस्ट से ट्राई करो। जिन्ने मैं लाड़े दे हार तोड़ांगा वो तुहाडे, मेरे पास नहीं है, तुम गेस्ट से ट्राई करो। कुड यू प्लीज हेल्प मी सर जी, कारोबार जिथे मेरा काम आ ਉੱਥੇ ਵਜੀਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? ਗੈਸ ਕਰੋ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹਸ਼ਾਸ਼ੀਅਤ ਤੇ ਬਸ਼ਾਸ਼ੀਅਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀ ਟੀ ਆਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਐਡਾ ਟਰੂ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ? ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਬੈਸਟ ਪਾਇੰਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮਲਿਕ ਵਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਸਿਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਸਿਫ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਲਿਕ ਵਾਸਿਫ ਹੈ। ਵਾਸਿਫ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਲਿਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ? ਜੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਮਲਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਇਨਕੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ, ਬੰਤਾ ਆਖਰ ਮੇਂ ਵਹੀ ਹੈ। ਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਮੈਡਮ ਕੋ ਆਪ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਅੰਬ ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅੰਬ ਚੂਪਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਪੈਸੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ, ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟਾ ਚੌਂਸਾ ਸੀਦੇ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਂਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਚੌਂਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਚਿੱਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਚਿੱਟਾ ਚੌਂਸੇ ਕੀ ਆਪ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਆਪਕੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅੰਬ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋ ਮੁੱਛੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਿ ਮੁੱਛੋਂ ਵਾਲੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਕਾ ਪਤਾ। ਆਈ ਨੋ ਮਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਬ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਕਾਲੇ ਚੌਂਸੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਛਾਪੜ ਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਭਰੋ ਤੇ ਏਸੀ ਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਆਏ। ਬਾਟਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ, ਕਿਨਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਟੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਟੂਪ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟੇਬਲ, ਓਕੇ ਤੇ ਆਏ ਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖਾ ਹੈ ਨਿਰਗੋਲੀ, ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਕੀਆ ਹੁਆ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਏ। ਵੋ ਕੌਨ ਸਾ? ਕੌਨ ਸਾ ਸਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਹਾ ਤਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਕਾ ਆਜ਼ਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਲਗੇਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਮੇ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਏਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਇਸਕੋ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਂਗੇ, ਇਸਸੇ ਨਹਾਏਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏਂਗੇ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਪਾਣੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਧ ਕਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਮ ਸੁਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਿਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਉਨਕੇ ਆਨੇ ਕਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ? ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਸਮਝਾਓ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸੀਐਮ ਲਗਾਏ, ਪਰਵੇਜ ਇਲਾਈ ਸੇ ਕਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤਜਰਬਾ ਕਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਝੇ ਸੀਐਮ ਲਗਾ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਤੇ, ਕਿਆ ਭਾਈ ਦੁਆਏ ਵੀ ਮਿਲਤੀ ਔਰ ਤਜਰਬਾ ਕਾਰ ਸੀਐਮ ਵੀ ਮਿਲਤਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮਰਤਬਾ ਜਬ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਤਾ ਤੋ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੌਣ ਕਰਤਾ? ਕੌਣ ਕਰਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ? ਤਜਰਬਾ ਕਰਤਾ
लोग चाहते हैं निजाम बदले, शक्लें बदलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हूं मैं जा रहा हूं इमरान खान साहब को। ठीक है, वो मैं क्या तोड़े ना एक बार मशवरा कर लवा। आप उनके साथी से मशवरा करें। ओ माशाल्लाह, हॉलीवुड दी फिल्मा बना रहे हो ते जस्ट दे नहीं। अरे यार नहीं, और से देखो माशाल्लाह, मलक साहब दी ग्रेट फ्रॉम मुल्तान। यस, ओ सर जी मैं तोड़े को अच्छा हो, तोड़े मुलाकात हो गई है सर। मैं चले खान साहब वालों ने मशवरा देन, लेकिन पता की मसला है, अगे रख देने चाह ते बिस्कट, जरा जी गल गलत हो जावे ते ओ चुक लैंदे ने। अच्छा, जे ते को कितना बुरा लगदा है बंदे ने एक बिस्कट तोड़ के डबो के हल्का जा मुंह च पाया होवे, जायका मुंह च आ रहा होवे ते अगू हर शाय चुकी जाए, अच्छा तो नहीं ना लगदा सर। तुहानू वैसे भी एक बिस्कट काफी है। हां जी, वैसे मैं ते एक बिस्कट नाल रज जाना सर। ओए टोक टोक के ते खाना हुंदा माउस नहीं है, मैं कंप्यूटर वाला माउस हाँ। अच्छा, माशाल्लाह भाईजान आए ना, तो कोई अपना की खिदमत वगैरह जी है तुसी की है? जी जी, बड़ी खिदमत कर देने गरीबा दी। अच्छा जी, सर की वैसे गरीबा को कुछ ना कुछ बचता ही होना, गरीब करते सर। माशाल्लाह तुसी आई एडे सोहने अक्सा जी। हाँ जी, उत्तर पाकिस्तान दी टॉप मॉडल जो अक्सा जी का एक ना है। अच्छा जी, पूरा की ना है अक्सा। जहीन अफसर मनिया अपने बबर शेर नरगोली। अच्छा जी, अच्छा जी, एक चोर को मोबाइल नंबर लै रहा कि मैं अपना नंबर दे, मैं की करना, कहना मैं अपने ताए के घर चोरी करवानी है। खबर क्या है? जैसा कि पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत ने रेवेन्यू सेव करने के लिए ऑफिसेज में चाय के साथ सिर्फ दो बिस्किट्स खाने की लिमिट रखी थी, इसी तरह स्पेन के वजीर आजम ने भी एनर्जी यानी कि तवानाई सेव करने का एक बड़ा अनोखा नुस्खा पेश किया। चूंकि स्पेन में गर्मी की शिद्दत काफ़ी बढ़ रही थी, इसी बात के पेश नज़र वहां के वजीर आजम ने तमाम मुलाजमीन को ये एडवाइस की कि वो वर्किंग आवर्स में टाई नहीं पहनेंगे। उनके मुताबिक अगर आप टाई नहीं पहनेंगे तो आपको गर्मी की शिद्दत कम महसूस होगी, जिससे एयर कंडीशनर का इस्तेमाल भी कम होगा, और चूंकि एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम होगा इसीलिए एनर्जी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। टाई हो कि कंबल के कपड़े भी बांधी है, एडी गर्मी लगनी है। एक मुंडा टाई ला के आ गया तो उन्हें कहा यार तू टाई क्यों लाई है, कहता जी मैं तो देखो ढिल्ली करके लाई है तां करके। मैं भी तो टाई लगाता हूं, मुझे तो नहीं गर्मी लगती। क्यों? ये तो एसी लगा हुआ। मेरा क्वेश्चन सर से है कि आपकी पहले भी गवर्नमेंट पीटीआई की ये पंजाब में गुजर चुकी है, अब आप नेक्स्ट जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो आप क्या इम्प्रूवमेंट नई सोच के साथ गवर्नमेंट में आएंगे? यहो जो मुंडे नू लैपटॉप लेके दियो तो वेच के तबला ला लेंदा। जी सर, हमने पाकिस्तान को खुददार पाकिस्तान बनाना है, हमने अपने रिसोर्सेज के साथ अपने खर्चे कम करने हैं, अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, हमारा करंट डेफिसिट है उसको हमने कम करना है, और जो हमारी गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स हैं हमने उनको ख़त्म करना है, और इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। बहुत अच्छा, गार्डन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा जाहिद है, मेरा मैं मकसद से एक क्वेश्चन है, आपकी जो पहली जिंदगी थी मॉडल बनने से पहले और उसके बाद में, मतलब उनके इन बिटवीन आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आई? वो इस तरह से कि मैंने अपनी स्टडी जो थी, मैं बीबी ऑनर्स कर रही थी उसी दौरान मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, तो वो चीज़ें काम मैनेज करना और स्टडी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी मेरे लिए क्रिएट हुई, लेकिन उसके बाद जब स्टडी कंप्लीट हो गई और अभी सिर्फ मैं जो है वो शूट्स और ये मॉडलिंग वगैरह कर रही हूँ, तो मतलब मेजर जो डिफरेंस वो यही है कि मैं बहुत बिजी हो गई थी और अपने लिए स्पेसिफिकली टाइम निकालना बहुत मुश्किल था, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महरीन अमजद है, मेरा क्वेश्चन सर से है कि आप पहले भी एमपीए रह चुके हैं और अब भी एमपीए हैं, आपने अपने इलाके के लिए पहले क्या इकदाम की थी और अब क्या इकदाम लाएंगे? साउथ पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ, साउथ पंजाब हमेशा डिप्राइव रहा है रिसोर्सेज से, होता क्या रहा है कि एक मेंटेलिटी, एक
चल पड़ी है, बयानिया चल पड़ा है, नैरेटिव बिल्ड हो गया है साउथ पंजाब में तख्त लाहौर का। मैं भी समझता हूँ कि ये अच्छा बयानिया नहीं है, मगर उसकी वजह क्या है कि ज़्यादातर रिसोर्सेज जो यहाँ पे लाहौर में लगते रहे हैं। आज भी बहावलपुर की बात करें, मुल्तान की बात करें, रोही की बात करें, तो आज 21वीं सदी में भी लोग पीने के साफ पानी नहीं मिलता, जौहर का पानी पी रहे हैं। जहाँ से जानवर पानी पीते हैं वहाँ से इंसान पानी पी रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो रिसोर्सेज यहाँ पंजाब में, यहाँ लाहौर के एक बंदे को मिल रहे हैं, वही चुलिस्तान के बंदे को भी मिलना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला हम खुददार पाकिस्तान बनाएंगे और मसावी वसाइल की तकसीम करेंगे। जी अगला सवाल सर आपसे मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे कि इंडिया दे रहा है किसानों को, अपनी को फैसिलिटीज़ दे रहा है, फ्री बिजली भी दे रहा है, सर आप हमारे किसानों को क्या फैसिलिटीज़ देंगे? आपकी हुकूमत है आप पंजाब में। मैंने जैसे आपको बात की, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रूरल है, मैं भी लैंडलॉर्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। बदकिस्मती यही है कि ये बिफोर पार्टीशन ये हमारा पंजाब जो हमारे हिस्से में आया है, ये फूड बास्केट था पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए, बरेसगीर के लिए स्पेशली। हमारी बदकिस्मती और हमारे जो प्लानिंग थी वो इतनी बुरी रही, जैसे आपने बात की इंडिया में फ्री बिजली मिल रही है, अच्छे सीड्स मिल रहे हैं, हमारी वीट है या हमारी जो क्रॉप है, अगर हम इसके सीड हम अच्छे लेके आए, अगर हमारे किसान को पास 100 मन उसके पास यील्ड हो जाए, तो आप जस्ट इमेजिन करें अगर इनपुट्स आपकी कॉस्टली भी हो जाएं तो उसको इतना प्रॉफिट होगा कि वो अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और आपकी मोर देन 60% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू रूरल एरियाज, और अगर वो खुश होंगे, खुशहाल होंगे, तो आई थिंक पूरा पंजाब पाकिस्तान खुशहाल होगा। 2020 खेलते हैं आपके साथ, किससे स्टार्ट करूं पहले? आपसे करें मलिक साहब? चलिए मलिक साहब, इनमें से किसी एक की बायोग्राफी पढ़ना लाजिम है, किसकी पढ़ना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार सर, ये बताएं अपने पार्टी के किस लीडर के बयान पर आप आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे, किसके बयान पर आप कहेंगे मैं पहले थोड़ी रिसर्च कर लूं, और किसके बयान पर आप सोचेंगे कि या अल्लाह इसने अब क्या कह दिया? ऑप्शंस आपके पास हैं शहबाज गिल, फयाजुल हसन चौहान और मुराद सईद, तो किसके बयान पर आंखें बंद करके यकीन करेंगे? मुराद सईद। किसके बयान पर कहेंगे थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए? शहबाज गिल। और किसके बयान पर कह रहे हैं कि अल्लाह क्या कह दिया? चौहान। चौहान सर, ठीक। चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, किसको लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमाद अजहर और फवाद चौधरी। हमाद अजहर। हमाद अजहर सर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और अक्सा। 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 जिसे अक्सा का नाम है उसे तुसी पार्टी दी मोहब्बत भुल गए हैं। नहीं, वो पार्टी से बिलोंग नहीं करती ना। आप डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, किसको देना चाहते हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब परवेज इलाही। ये मुश्किल जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में चले गए, मुश्किल फैसला है। चले सर ये बताएं भेड़िया किस मुल्क का कौमी निशान है? You can always come back to the original question. Siberia? No. Go back to the... जी, किसके देना चाहेंगे लाइफ जैकेट आप? शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब ले गए हैं। ठीक है। जी अक्सा। जी। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन में एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शन आपके पास जो है वो है मौलाना फजल रहमान और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब होंगे वो। चांद पर जा रही हैं, किसी को लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी और फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान होंगे वो। ये बताइए टाइटैनिक पर जा रही हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी अपने टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब परवेज इलाही। परवेज इलाही साहब। ये बताइए डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, किसको देना चाहती हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मलिक वासिफ साहब और कैसर पिया। इनको दे दें, डूब रहे आंखों में मोहब्बत है, उनके चेहरे पे रौनक है। ओए ओए मलिक साहब को दे दी है। वैसे आप थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो, साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।